हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेपर्स एडुकेशन। आई एम रिचा तापड़िया और आज हम क्या स्टार्ट करेंगे। हमने ऑलरेडी थ्री पार्ट्स में देख चुके हैं हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो कि था दैट इज प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें ऑलरेडी मैं आपको थ्री पार्ट्स में पढ़ा चुकी हूँ, डिवाइड कर चुके हैं हम चैप्टर। अब हमारा कुछ टॉपिक रह गया है, दैट इज द टू टॉपिक्स रिमेन, दैट इज फर्स्ट वन दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड सेकेंड इज कोऑर्डिनेशन। सो विल कम्प्लीट दी चैप्टर टूडे और हम ये पार्ट कम्प्लीट करके हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देन आई विल गिव सम केस स्टडीज टू यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर। सो दैट इज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? अब जो ये फंक्शंस है मैनेजमेंट के, जो कि हम डिटेल में आगे देखेंगे, एक एक चैप्टर दिया गया है ये फंक्शंस पे, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये फाइव फंक्शंस होते हैं हमारे मैनेजमेंट के, जिसके बिना हमारा बिजनेस इनकम्प्लीट है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो अभी हम सिर्फ ये बेसिक देखेंगे इसका मतलब क्या है, क्यों? क्योंकि डिटेल में आपको ये पूरा चैप्टर दिया गया है। सो फर्स्ट वन दैट इज प्लानिंग। अब ये प्लानिंग क्या है? प्लानिंग से आपको नेम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ प्लान करना होता है, राइट? अब समझ लो, अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, मैं कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हूँ, सपोज टॉयज, मैं किड्स के लिए कुछ टॉयज का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हूँ। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू प्लान बिफोर। मुझे प्लान करना पड़ेगा कि मुझे कौन से टॉयज बनाने चाहिए, कि उनका डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर। मैं देखूंगी यार, इसका अगर मैं कुछ भी रेट रख दूंगी तो भी इसकी डिमांड तो उतनी ही रहेगी, तो मुझे कौन से टॉयज बनाने चाहिए, मुझे क्या एज ग्रुप रखना चाहिए इसके अंदर, मुझे इसके अंदर क्या क्या रिसोर्सेस चाहिएंगे, क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिएंगे, मुझे इसके अंदर कितने एम्प्लॉयज चाहिए, क्या मेरे पास उतना फंडिंग है देने के लिए, क्या मैं ये बिजनेस स्टार्ट करूंगी तो मुझे प्रॉफिट ही होगा, राइट? तो ये सब चीजें हमें पहले प्लान करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है कि हाँ ये चीजें होगी तो मैं क्या करूंगी, मेरा बिजनेस स्टार्ट करूंगी, राइट? सो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। कौन करने वाला है, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है एंड हु इज, कौन करने वाला है? क्या मैं अकेले पर्सन हूं जो मैं बिजनेस पूरा कर लूंगी? ऑब्वियसली नॉट। मुझे यहाँ पे लोग चाहिए जो कि मेरे साथ ये हेल्प करे, ये मेरा पूरा बिजनेस में मैनेज करे, दैट इज प्लानिंग। तो प्लानिंग चीज ही ये ऐसी है कि हमें सब कुछ एडवांस में सोचना पड़ता है। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टूडे एंड वेयर वी वॉन्ट टू रीच। ब्रिजेस ये क्या करती है, ये जो गैप है उसको खत्म करती है कि आज हम कहाँ हैं और हमें कहाँ तक जाना है, वेयर आई हैव टू रीच, मुझे कहाँ तक पहुंचना है, उसका ये हमें पूरा प्लानिंग जो है वो हम डिसाइड करते हैं। दैट इज व्हाट अबाउट द प्लानिंग। मुझे मैन्युफैक्चरिंग करने हैं टॉयज तो मुझे उसके लिए क्या क्या प्लानिंग्स करनी पड़ेगी, क्या क्या सोचना पड़ेगा, दैट ऑल विल कम अंडर दी प्लानिंग फंक्शन। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने ये तो सोच लिया कि मुझे प्लान करना है, मुझे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करना है, टॉयज का फैक्ट्री लगानी है, ये सब चीजें मैंने सोच ली, लेकिन एग्जीक्यूशन में क्या होगा कि जब मैं बात करती हूँ कि ये सारा पूरा सिस्टम मैंने रेडी कर दिया है, क्या करा मैंने, फैक्ट्री सेटअप कर दिया, मैंने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए, उनके मैंने सोचा ये हेड्स होंगे, यहाँ पे इतने इतने वर्कर्स मुझे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में चाहिए, तो व्हाट इज दिस, दिस इज ऑर्गेनाइजिंग। क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिएंगे मुझे इसके लिए, मतलब आपने पूरा सिस्टम रेडी कर दिया, अब आके वहां पे सिर्फ काम करना है, उसे बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग, राइट? सो आफ्टर सेटिंग अप ऑफ प्लान, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इज टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटी, एस्टेब्लिशिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। मेन चीज ये है कि स्ट्रक्चर आपने रेडी कर दिया टू एग्जीक्यूट द प्लान, जो हमने सोचा था वो मुझे करना तो पड़ेगा ना। तो मैंने जब टॉयज का सोचा कि टॉयज की फैक्ट्री में एग्जीक्यूट करूंगी, तब उस केस के अंदर मुझे क्या क्या डिपार्टमेंट्स चाहिए, उसमें मुझे कितने कितने वर्कर्स चाहिए, मुझे क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए, ये सब की तैयारी अगर मेरी होती है तो उसे बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग, क्लियर? नेक्स्ट इज स्टाफिंग। जब ऑर्गेनाइजिंग हम देखते हैं तो डिपार्टमेंट्स में हमें अगर सब डिपार्टमेंट सब यूनिट्स भी चाहिए तो वो चीजें भी इसके अंदर देखी जाएगी। स्टाफिंग मीन्स क्या हो गया, एम्प्लॉयज की कितने वर्कर्स की जरूरत है, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, अलग अलग हमारे वैरायटीज ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट? डिपेंड करता है आपका बिजनेस कौन सा है। तो अब उस डिपार्टमेंट में मुझे कितने नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए, कितने मुझे यहाँ मैनेजर्स चाहिए, तो
तो उनका भी मुझे यहाँ पे एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। स्टाफिंग मतलब भी होता है, कितने लोग चाहिए आपको, कितने आपके पास है और कितनों की और रिक्वायरमेंट है। तो हम उसकी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, हम सिलेक्शन करना चालू करेंगे, हम रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट करेंगे। अभी के टाइम पे हम देखते हैं तो स्टाफिंग के अंदर क्या होता है कि राइट पर्सन को राइट जॉब पे लगा दिया जाता है, राइट कि राइट पर्सन को राइट जॉब पे हमें लगाना है। लेकिन वही चीज है कि अगर पहले क्या होता था कि ठीक है हम लोग को सिर्फ एम्प्लॉयज की जरूरत है, हमने एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर लिया, वी हैव अपॉइंटेड द एम्प्लॉयज। अब उनसे ये नहीं देखा जाता है, उनका टैलेंट नहीं देखा जाएगा कि वो परचेसिंग ज्यादा अच्छा करेगा या वो सेल डिपार्टमेंट में ज्यादा अच्छा है। बस ठीक है, वो एम्प्लॉय आ गया तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसे बस अपॉइंट कर लिया हमने, अब हम उसे कोई भी फील्ड में डाल देंगे। ये पहले होता था, बट अब क्या होता है, हम उनके अकॉर्डिंग, हम उनके इंटरेस्ट टैलेंट के अकॉर्डिंग उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है। ऑब्वियसली जो उनका टैलेंट है, जो इंटरेस्ट है, हम उसी में लगाएंगे तो हमें भी बेनिफिट है, वो उस काम को अच्छे से करेगा। बट जो चीज उसको आती नहीं है अपने, उसको उसमें डाल दिया तो पहले तो उसे लर्निंग में बहुत टाइम लग जाएगा, और वो भी हमें पूरा नहीं पता कि उसको उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो क्या अच्छे से कर पाएगा वो चीज को। तो डेट इज वॉट स्टाफिंग, स्टाफिंग मीन्स राइट पर्सन को हम राइट टाइम पे राइट प्लेस पे लगाते हैं, उसे बोला जाता है स्टाफिंग। इट ऑल्सो इंक्लूड ट्रेनिंग, डेवलपिंग द एम्प्लॉयज, डिसाइडिंग द रेमुनरेशन, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस, मेंटेनिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज। ये सारी चीजें स्टाफिंग में आती है। किस तरीके से आप उनको प्रमोट कर रहे हो, किस तरीके से आप उनको ट्रेन कर रहे हो, उनका डेवलपमेंट कर रहे हो, उनकी रेम्यूनरेशन डिसाइड कर रहे हो, राइट तो ये सब चीजें क्या है, ये होती है स्टाफिंग। देन डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग मीन्स क्या हो गया कि जब हम बात करते हैं कि मैंने ठीक है मैंने एम्प्लॉयज को भी रिक्रूट कर लिया, मैंने उन्हें सिलेक्ट कर लिया, अब डायरेक्शन मतलब कि मैं उन्हें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे रही हूँ, आपको काम इस तरीके से करना है। जब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे टॉयज को तो हमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करके लगाना है, तो डायरेक्शन देना कि हाँ किस तरीके से आप काम करोगे। सब लोग को हमने डिवाइड तो कर दिया उनके क्वालिफिकेशन, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन काम कैसे करना है वो डायरेक्शन तो आपको देना पड़ेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट को देना पड़ेगा, राइट तो वो होता है डायरेक्ट करना, इंस्ट्रक्शंस देना एम्प्लॉयज को, मोटिवेट करना, सुपरवाइज द एक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय, कम्युनिकेटिंग विद देम, सुपरवाइज करो उनको। हमने जब गाइड किया, हमने डायरेक्ट किया, अब हम देखेंगे क्या उस तरीके से वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, दैट इज सुपरविजन, राइट एंड कम्युनिकेट करेंगे, उनके कुछ भी गलती लगेगी तो हम उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, नहीं ऐसे नहीं आपको इस तरीके से काम करना, दैट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये होता है हमारा डायरेक्टिंग, दैट इट आल्सो इंक्लूड सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड लीडरशिप। लीडरशिप आपको दिखानी पड़ेगी इस तरीके से काम करना, एक लीडर होना चाहिए नहीं तो काम कैसे होगा, तो दैट इज ऑल अबाउट द डायरेक्टिंग। ठीक है, एंड लास्ट इज कंट्रोलिंग। आपने सारी प्रोसेस कर ली, सारे फंक्शंस कर लिए, लेकिन अगर आप कंट्रोलिंग नहीं करोगे तो आपका सारा काम वेस्ट है। क्योंकि कंट्रोलिंग मतलब ही क्या होता है कि हमने जो काम दिया था क्या वो अच्छे से हो रहा है, क्या जिस तरीके से हमने गाइड, मोटिवेट, इंस्ट्रक्शंस दिए थे क्या उस तरीके से काम किया जा रहा है। इसीलिए कंट्रोलिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलिंग तो आपको देखना ही पड़ेगा। या मैंने जैसे कहा था वैसे नहीं कर पा रहे, तो क्यों नहीं कर पा रहा इंसान, आ रही है चीज समझ, क्यों नहीं हो पा रहा है जैसे हमने गाइड किया था। तो ये सारी चीजें आपको उसके अंदर देखनी पड़ेगी। अगर मैंने ये सोचा था कि प्लानिंग हमने किया है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कहा कि इस वीक में मुझे क्या करना है, 10 लैक्स का सेल करना है, लेकिन 10 लैक्स का हुआ ही नहीं, 8 लैक्स का ही हुआ, तो 8 लैक्स का क्यों हुआ, वो डिफरेंसेस मुझे निकालने पड़ेंगे, मुझे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, राइट तो वही चीज है कि ये जो डिफरेंस है उसको मैं देखूंगी क्यों हो रहा है, और अगर हो रहा है तो इसे मैं कैसे सही कर सकती हूँ, दैट इज कॉल्ड द कंट्रोलिंग। क्लियर, तो ये हमारे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं, जिन्हें मैंने इतना आपको डिस्क्राइब करके नहीं बताया, एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं दी, क्यों, क्योंकि ये आपको मैं एक एक चैप्टर इसके बारे में डिटेल में हम देखने वाले। क्लियर, तो सबसे पहले हमें सिर्फ ये चीज है कि सबसे पहले हम कोई भी बिजनेस करते हैं सो वी हैव टू प्लान फर्स्ट, आफ्टर प्लानिंग वी हैव टू ऑर्गेनाइज, मीन्स कि एग्जीक्यूशन के लिए मैंने पूरा एक सिस्टम रेडी कर दिया, मैंने सेटअप कर दिया फैक्ट्री, मैंने इसमें डिपार्टमेंट्स डिवाइड कर दिए, मैंने ये देख लिया कितने वर्कर्स मुझे चाहिए, तो पूरा मैंने रिसोर्सेज यहाँ रेडी कर दिया, क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए सब मैंने कर दिया, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट हम अगर देखेंगे तो स्टाफिंग होता है कि इतने लोगों की जरूरत है, उसे हमने अपॉइंट किया, सिलेक्ट किया, राइट फील्ड में राइट पर्सन को हमने डाल दिया, दैट इज स्टाफिंग। और डालने के बाद हम उन्हें बताएंगे आपको काम कैसे करना है, दैट इज डायरेक्टिंग।
एंड लास्ट वन कंट्रोलिंग, कि जैसे मैंने उन्हें बताया था क्या वो उस तरीके से काम कर रहे हैं, उसे बोला जाएगा कंट्रोलिंग। क्लियर? तो ये फाइव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट थी। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक दैट विल कम इज कोऑर्डिनेशन। अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। अब इस कोऑर्डिनेशन का मतलब ही क्या होता है? देखो, जब हम बात करते हैं कोई भी एक्टिविटी हम जब करते हैं और हमें उसमें लोगों की जरूरत है, राइट, मोर देन वन पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर एनी एक्टिविटी, तो उस केस में क्या होगा? मुझे जब लोगों की जरूरत है तो उस केस में मैं बोलूंगी यहाँ पे उन लोगों को मिलके काम करना पड़ेगा, कॉपरेट होके काम करना पड़ेगा। अगर एक ही बंदा है, वो कोई काम कर रहा है, उसे जरूरत ही नहीं किसी और की, तो वहां पे तो कोऑर्डिनेशन या कॉपरेशन की बात ही नहीं आएगी। बात कब आएगी? जब वहां पे एक से ज्यादा लोग हैं, या हमें जरूरत है एक से ज्यादा लोगों की, तो वहां पे तो आपको कोऑर्डिनेट होके काम करना ही पड़ेगा ना, मिलके काम करना ही पड़ेगा। अगर आप उस केस में मिलके काम नहीं करोगे तो डिस्प्यूट्स होंगे, फाइट्स होंगे, दैट्स इट। क्या आप उस केस में अच्छे से काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए बोला गया है कोऑर्डिनेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन दिया गया है मैनेजमेंट के लिए, कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो मिलके काम करो, नहीं तो डिस्प्यूट्स होंगे, फाइट होंगे, और उस केस के अंदर आप मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाओगे, और मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होगा तो बिजनेस सक्सेस कैसे होगा? क्लियर? चलो देख लेते एक बार। अपार्ट फ्रॉम दिस फाइव फंक्शंस, वन मोर इंपॉर्टेंट फंक्शन विच एवरी मैनेजर हैज टू परफॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ओके, इट इज ऑनली अ फंक्शन बट इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिर्फ फंक्शन नहीं, ये बोल रहा है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसके बिना कुछ चीजें पॉसिबल नहीं है। द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। इट इज द फोर्स दैट बाइंड ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब सिंक्रोनाइज अदर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, देखो कोऑर्डिनेशन है तभी तो परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स एक दूसरे से बातें कर पाएगा, कोऑर्डिनेट कर पा रहा है ना। अगर ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर ही नहीं पाएंगे तो क्या वो अच्छे से काम कर पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था और इसी को यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बोला गया, कि अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है तो अगर वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, लिंक नहीं रखेंगे, तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि किसको क्या चीज की जरूरत है? सेल वाले को ये पता है कि डिमांड कितनी है तो वो उसी चीज को बताएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, लेकिन अगर एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे तो कौन किसको बताएगा और रिसोर्सेस वेस्ट जाएंगे, राइट? तो वही चीज यहां बोलिए कि एक दूसरे डिपार्टमेंट से आपको कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा और उसी को कोऑर्डिनेशन बोला जाता है। मिलके जब आप बात करते हो, एक दूसरे से इंटरलिंक करते हो, उसी को बोला जाएगा कोऑर्डिनेशन। ओके, अब देखो कोऑर्डिनेशन को इन्होंने बताया है कि बहुत एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज कंसिडर्ड एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। अब ये बोल रहा है कि मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा एक एसेंस, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता, कोऑर्डिनेशन के बिना क्यों नहीं हो सकता? अब देखो ये बताता है कुछ रीजंस है। फर्स्ट वन, इट इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑल दी फंक्शंस मतलब जो हमने अभी देखा, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके कहने का मतलब अगर कोऑर्डिनेशन है ही नहीं तो उस केस में आप ये फाइव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को परफॉर्म नहीं कर पाओगे, और सही भी है। प्लान जब आप करते हो तो क्या सिर्फ एक बंदा प्लान कर लेगा बिजनेस के अंदर? नहीं कर पाएगा। सारी टॉप लेवल अथॉरिटीज मिलके ये डिसीजंस लेती है, ये प्लान करती है कि हमें किस तरीके से काम करना है, तो एक बंदा तो कर ही नहीं पाएगा। और एक बंदे ने कर भी लिया तो क्या वो ऑर्गेनाइज अकेला कर लेगा सब चीजें? उसमें भी उसे लोगों की जरूरत है, मिलके काम करना पड़ेगा। वो करने के बाद स्टाफिंग में भी लोगों की जरूरत रहेगी, डायरेक्शंस भी देने पड़ेंगे और कंट्रोलिंग। तो ये बोल रहे हर एक फंक्शन में आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत रहेगी, आपको एक दूसरे से बात करके मिलके चलना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा? तो वही चीज इन लोगों ने बोला कि इसीलिए हम बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। आपने प्लान किया तो आप लोगों को बताओगे तो सही, और वो कब बता रहे हो? जब आप कोऑर्डिनेशन है आप लोगों का, जब भी आप एक दूसरे को बता रहे हो वो चीज, नहीं तो कौन बताएगा? तो इसीलिए जरूरी है। इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स। ऑल द लेवल्स मतलब टॉप लेवल हो गया हमारा, मिडिल लेवल हो गया, या हम बोलते हैं लोअर लेवल हो गया, तीनों लेवल में हम बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। टॉप लेवल ने जो भी डिसीजंस लिए, ये हमने जो लेवल्स देखे थे वो किस तरीके से डिवाइड किए हुए थे, हमने देखे कि टॉप लेवल प्लानिंग देखता है, पूरा स्ट्रेटेजीज बनाता है, मिडिल लेवल डिपार्टमेंट वाइज देखता है, और जो लोअर है वो सुपरवाइजरी लेवल।
लेकिन अब आप बताओ, टॉप से मिडिल तक बात पहुंचाने के लिए क्या होगा? कोऑर्डिनेशन जरूरी है या नहीं जरूरी? तो वो बोल रहे हर लेवल के लिए भी हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। पहले तो हम बोलेंगे सिर्फ टॉप लेवल के अंदर भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है। अगर टॉप लेवल में बोलेंगे 20 मेंबर्स है तो एक दूसरे से बात तो करनी चाहिए, एक दूसरे को मिलके उनको स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी या नहीं? या सिर्फ एक बंदे ने बना ली, हो गया काम, और बना भी ली तो दूसरों को बताएगा तो सही। तो इसीलिए जरूरी है। तो पहले टॉप लेवल के अंदर ही जरूरी है, फिर वहां से मिडिल लेवल तक पहुंच जाएगा तो कोऑर्डिनेशन चाहिए। फिर सिर्फ मिडिल लेवल को भी चाहिए कोऑर्डिनेशन, क्योंकि हर डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होना चाहिए, राइट? और फिर वो लोअर तक लेके आएगा तो उसमें भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो इस तरीके से एक से दूसरे डिपार्टमेंट के लिए क्या होता है, लेवल्स के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। विदाउट दैट द फर्म कैन सर्वाइव? नो, ऑब्वियसली इट कांट बी सर्वाइव, ठीक है? तो इसीलिए हम बोलते हैं इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लेवल्स। एंड लास्ट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वही चीज हो गई कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ भी चीज नहीं हो सकती। एनी कंपनी विच फेल टू कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज कैन नॉट सर्वाइव एंड रन सक्सेसफुली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो मैंने अभी बताया कि इट कांट सर्वाइव विदाउट द कोऑर्डिनेशन। जैसे हम बोलते हैं प्लानिंग बहुत जरूरी है, कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है, वैसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि कोऑर्डिनेशन भी बहुत जरूरी है, इसके बिना तो कोई चीज पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो ये चीज हमने यहाँ पे कुछ देखा कि हमने यहाँ पे देखा क्यों इसे सेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला गया है। नाउ नेक्स्ट इज, अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है आप लोगों को, इसके अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हो देयर विल बी चाओस एंड कंफ्यूजन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे बोल रहा है पुअर रिपोर्ट आ गई, यहाँ पे ये बोल रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई स्टॉक ही नहीं है, जबकि स्टोर में बोल रहा है स्टॉक फुल है। तो क्या हो रहा है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे स्टोर डिपार्टमेंट बोल रहा है मेरे पास तो पूरा स्टॉक पड़ा है, फुल है मेरे पास, और प्रोडक्शन बोल रहा है हमारे पास स्टॉक नहीं है। तो स्टॉक क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास रॉ मटेरियल्स नहीं आए हैं, है ना, जब ये प्रोडक्शन कर नहीं पा रहा है। सेल्स डिपार्टमेंट अलग ही कंफ्यूजन में चल रहा है, यहाँ रिसेप्शन अलग ही चल रहा है। तो ये सब क्या है, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत सारा है क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा, राइट? नाउ सम फीचर्स आर गिवन, दैट इज कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। अब इसका क्या मतलब हुआ ग्रुप एफर्ट्स का? जो मैंने कहा कि अगर कोई इंडिविजुअल वर्कर है या पर्सन है, कोई भी काम कर रहा है, तो क्या उसको कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी? नो, ऑब्वियसली नॉट। अगर मैं अभी यहाँ पढ़ा रही हूँ तो मुझे यहाँ कोऑर्डिनेशन किससे करना है? मुझे तो आप लोगों से कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हो क्या, मुझे वापस आप यहाँ पे रिस्पॉन्स कर रहे हो, राइट? दैट इज कोऑर्डिनेशन। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक ही बंदा है, अगर मैं ही सिर्फ यहाँ पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाने के लिए मुझे यहाँ कोई कोऑर्डिनेशन चाहिए, क्योंकि एक ही बंदा यहाँ काम कर रहा है। तो वही चीज वो बोल रहा है, कोई भी एक्टिविटी जहाँ पे इंडिविजुअल वर्कर अगर कोई वर्कआउट कर रहा है तो उसे कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है। जरूरत कब है? जब वहां पे ग्रुप एफर्ट्स है, जहां मैं बोलूंगी लोगों की जरूरत है, यहाँ सबके एफर्ट्स लग के काम होंगे, वहां पे आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए। अगर एक ही जन पूरी प्लानिंग कर रहा है तो उसे क्या जरूरत है दूसरे लोगों की? लेकिन जहां पे वो बोलेगा मोर देन 1% चाहिए, वहां कोऑर्डिनेशन चाहिएगा। तो दैट इज व्हाट अबाउट इट ऑलवेज अप्लाइज टू ग्रुप एफर्ट्स। ये हमेशा ग्रुप एफर्ट्स पे अप्लाई होता है, एमसीक्यूज में आ सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल पे ये कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेशन नहीं लगेगा, किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, है ना? तो दैट इज नो नीड फॉर कोऑर्डिनेशन व्हेन ओनली सिंगल इंडिविजुअल इज वर्किंग। क्लियर? नेक्स्ट इज, इट एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। अब इससे क्या मतलब समझ में आया? यूनिटी ऑफ एफर्ट्स मतलब जब हम बात करते हैं कि सबका यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक ही गोल होना चाहिए, एक ही एम होना चाहिए, तभी तो बोलेंगे कि सब लोग मिलके एक ही काम करेंगे, एक ही गोल के लिए काम करेंगे तो वो अच्छे से कर पाएंगे, तभी वो कोऑर्डिनेट होके काम कर पाएंगे। सबका गोल अगर अलग अलग होगा तो सब अपने अपने गोल के लिए मेहनत करेंगे ना। किसी को सैलरी के लिए करनी है, किसी को फर्म के प्रॉफिट के लिए करना है, किसी को क्वालिटी के लिए करना है, तो सबका एम अलग हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग एफर्ट्स करेंगे। लेकिन अगर सबका यूनिटी एक ही हुआ कि हमें तो फर्म के लिए प्रॉफिट के लिए करना है, तो सबका एफर्ट्स एक ही रहेगा, और उसके लिए सबके लिए क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, राइट?
So coordination always emphasizes on unifying the efforts of different individuals because conflicting effort may cause damage to organization. वही चीज वो बोल रहा है कि अगर देखो सबके एफर्ट्स अगर अलग होंगे तो डिस्प्यूट्स होंगे, और डिस्प्यूट्स होंगे तो उससे क्या होगा, क्या कोऑर्डिनेशन होगा? नहीं होगा. सो मेन एम ऑफ द एवरी मैनेजर इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी एंड फंक्शन ऑफ ऑल इंडिविजुअल टू कॉमन गोल. कि गोल सबका एक ही होना चाहिए. अगर एक गोल रहेगा तो सब उसी गोल के लिए मेहनत करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, और उस एफर्ट के लिए अगर काम करेंगे तो कोऑर्डिनेशन बना रहेगा. आई चीज समझ? सो जैसे यहाँ देखो दिया है एचआर डिपार्टमेंट प्लस परचेज प्लस सेल्स प्लस फाइनेंस इक्वल्स टू कंपनी. तो इन चारों डिपार्टमेंट का एम क्या होना चाहिए कि हमें हमारी कंपनी की ग्रोथ करनी है, हमें हमारी कंपनी का प्रॉफिट अचीव करना है. तो इसीलिए सारे डिपार्टमेंट एक ही एफर्ट के लिए काम करेंगे तो यूनिटी अपने आप क्रिएट हो जाएगी, राइट? तो जब ही इस तरीके से यूनिटी से काम करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे डेवलपमेंट कर पाएंगे, कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे. तो वही चीज वो बोल रहा है कि आप लोगों का एफर्ट्स जो है वो एक जगह ही होना चाहिए सबका. कंटिन्यूस प्रोसेस, ये हमेशा नॉन एंडिंग फंक्शन होता है. कोऑर्डिनेशन क्या है? क्या मैं ऐसे बोलूंगी एक बार ही आपको करना है? नहीं, ये हमेशा हमारा चलता रहेगा. जैसे हम प्लानिंग देखते हैं, कंट्रोलिंग देखते हैं, ये भी कंटिन्यू प्रोसेस है. तो वैसे ही क्या होता है, कोऑर्डिनेशन भी आपको लाइफ टाइम तक, जब तक आपका बिजनेस चल रहा है लॉन्ग टाइम तक, आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन बना के रखना है. ऐसा होगा एक टारगेट अचीव हो गया फिर नहीं रखोगे, ऑब्वियसली नॉट, कोऑर्डिनेशन तो करना ही पड़ेगा. तो इसीलिए क्या है, कंटिन्यू प्रोसेस है. परवेसिव फंक्शन, इसका क्या मतलब हुआ कि ये कोऑर्डिनेशन हर एक डिपार्टमेंट पे फॉलो होगा, कोई भी लेवल हो, टॉप अपर टॉप होगा, मिडिल होगा, लोअर लेवल हो, कोई भी हम बोलते हैं यहाँ डिपार्टमेंट हो, कोई भी लेवल हो, सब जगह कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, राइट? तो वही चीज है, इट इज required in all the department and to perform all the functions due to interdependence of various activities on each other. तो क्यों जरूरत है, वो यही बोल रहे क्योंकि सबको एक दूसरे की जरूरत है, टॉप को मिडिल की लोअर की, तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन चाहिए. और मिडिल में हम बोलते हैं इतने डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी एक दूसरे की जरूरत है, तो हर जगह हमें तो कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होगा ही ना. तो इसीलिए वो बोल रहा है कि ये हमें रिक्वायरमेंट है, इसीलिए इसे परवेसिव फंक्शन बोला गया. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, अब देखो ये चीज तो सही है कि कोऑर्डिनेशन एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, मैनेजर्स की. उन्हें देखना पड़ेगा कि काम अच्छे से हो रहा है, क्या एक दूसरे से सब कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे डिपार्टमेंट से बातचीत अच्छे से हो रही है, लिंक हो रहा है, इंटरकनेक्टेड है. जब भी हम बोलेंगे काम अच्छे से होगा तो देखेगा कौन? देखेगा तो मैनेजर ही ना. तो इसीलिए बोल रहा है कि सारे मैनेजर्स का काम होता है. अब जैसे मैंने बोल दिया परचेस डिपार्टमेंट है, तो परचेस डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज को सेल्स डिपार्टमेंट से बात करनी चाहिए. तो क्या होगा इससे, कोई बोलेगा उसने बात कर ली होगी, कोई सोचेगा वो उस एम्प्लॉय ने बात कर ली होगी, तो इससे मिसमैनेजमेंट होगा. लेकिन जब वहां पे एक मैनेजर है परचेस में, एक मैनेजर है सेल्स में, तो दे कैन कॉन्टेक्ट ना, कि परचेस और सेल मैनेजर एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हैं कि हाँ डिमांड कैसे चल रही है. परचेस वाले को बोलेगा कि तुझे कितना परचेस करना चाहिए, ये सब चीजें बताएगा. तो ये क्या हो गया कि हाँ मैनेजर टू मैनेजर कॉन्टेक्ट हो रहा है. मैं कोई एम्प्लॉय को तो बोलूंगी नहीं कि आप जाके पता करो. तो वही चीज है वो बोल रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे मैनेजर्स की होनी चाहिए कि आपको किस तरीके से कोऑर्डिनेशन रखना है, ये मैनेजर्स को ध्यान रखना है. क्लियर? एंड इट इज ए डेलिबरेट फंक्शन, मीन्स इस केस में आपको इस तरीके से कोऑर्डिनेशन आप इतने अच्छे से रखो कि कोई कंफ्यूजन नहीं आए लोगों को, कोई एम्प्लॉयज को ये नहीं समझ में कि क्या करना है हमें क्या नहीं करना, इस तरीके से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. और ये नहीं होगा अगर आपका अच्छे से कोऑर्डिनेशन है, सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को माइंड में नहीं आएगा. तो इसीलिए हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन हमारे बिजनेस के लिए, सक्सेस के लिए जरूरी है, राइट? सो ये हमने क्या देखे, कुछ फीचर्स देखे, दैट इज कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स. ठीक है, इसमें हम बोलते हैं मोर देन वन पर्सन है तो उस केस में हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए. एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, यहाँ पे एफर्ट्स की जरूरत है, सबके एफर्ट्स सेम होने चाहिए. कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, कोऑर्डिनेशन हमें कंटिन्यू रखना चाहिए. इट इज अ परवेसिव फंक्शन, हर एक लेवल हर एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, लेकिन मैनेजर्स की, उन्हें कोऑर्डिनेशन बना के रखना है. एंड लास्ट इज इट इज अ डेलिबरेट फंक्शन.
अगर आप कोऑर्डिनेशन अच्छे से करोगे तो कभी किसी को कंफ्यूजन्स नहीं क्रिएट होंगे, इश्यूज नहीं आएंगे कि क्या करना है कैसे करना है, ये सब नहीं आएगा क्योंकि सब मिलके काम कर रहे हैं. क्लियर? देन इट्स गिवन द इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन. अब हमें जरूरत क्यों है, इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों जरूरत है, क्यों इतना जरूरी है हमारे लिए कोऑर्डिनेशन? फर्स्ट वन ग्रोथ इन साइज, सेकेंड इन फंक्शनल डिफरेंशिएशन, थर्ड इज स्पेशलाइजेशन. ये तीन रिक्वायरमेंट के लिए बोल रहा है जरूरी है कोऑर्डिनेशन. फर्स्ट इज ग्रोथ इन साइज. देखो जैसे हम बात करते हैं कि अभी तो मेरा छोटा सा बिजनेस था, अब मैं क्या कर रही हूँ, उसे एक्सपांड कर रही हूँ, राइट, सेटअप करते जा रही हूँ, आगे आगे मेरा फ्यूचर में एक्सपांशन हो रहा है. तो उस केस के अंदर जब मेरा एक्सपांशन होगा तो मुझे कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी या नहीं? लोग बढ़ेंगे, एम्प्लॉयज बढ़ेंगे, मैनेजर्स बढ़ेंगे, तो जिस तरीके से हम बोलेंगे डिपार्टमेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं हमारे, हमारे कंपनी की साइज बढ़ रही है, बिजनेस की साइज बढ़ रही है, जब ग्रोथ ज्यादा होता है कंपनी का तो उस केस के अंदर हम लोगों को कोऑर्डिनेशन ज्यादा चाहिए, कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है, राइट? द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मोर नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग, ईच इंडिविजुअल हैज हिज ओन नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव, सो देयर इज मोर नीड टू ब्रिंग टुगेदर और सिंक्रोनाइज द एफर्ट ऑफ दीज एम्प्लॉय टुवर्ड द कॉमन गोल. वही चीज है, जैसे जैसे एक्सपांशन होता है हमारे एम्प्लॉयज बढ़ते हैं, सबके ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं, सबके गोल अलग होते हैं, तो उसी लिए कोऑर्डिनेशन हमारे लिए इस केस में जरूरी हो जाएगा. नेक्स्ट इज फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन. अब इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे बात की गई है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, कि जब हम बात करते हैं इतने अलग अलग डिपार्टमेंट्स है तो उस केस के अंदर अगर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं करोगे तो काम कैसे हो पाए? इज इट पॉसिबल? हमें कुछ पता ही नहीं है सेल्स डिपार्टमेंट ने बताया नहीं डिमांड क्या करनी है, क्या डिमांड हो रही है मार्केट में, तो हम प्रोडक्शन कैसे करें? और प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो हम परचेस डिपार्टमेंट को कैसे बोलेंगे रॉ मटेरियल्स लेके आओ? तो ये चीज होती है, दैट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन. जब हम देखते हैं तो उस केस के अंदर हर डिपार्टमेंट को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना पड़े. आई चीज समझ? तो उस इसीलिए बोला गया है इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट सेक्शन डिवीजन, ईच डिपार्टमेंट वर्क इन आइसोलेशन बाय गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू इट्स ऑब्जेक्ट. इन एक्चुअल प्रैक्टिस दिस डिपार्टमेंट्स आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट. The coordination is needed to minimize the differences among the department. तो एक दूसरे डिपार्टमेंट से आपको लिंकेज बना के रखना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से मैनेजमेंट कर पाओगे, काम अपना कर पाओगे. दैट इज इम्पॉर्टेंट. एंड लास्ट इज स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन हम बोलते हैं इतने एक्सपर्ट्स होते हैं, हमने इतने हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए स्पेशलाइजेशन के लिए हमने एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया है. अब वो एक्सपर्ट्स दूसरे वर्कर्स को भी तो एक्सपर्ट बनाएंगे, बट उसके लिए उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा. तो स्पेशलाइजेशन इस तरीके से हमारे पूरे बिजनेस में आ सकती है, एक्सपांड हो सकती है, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए. तो वही चीज है, देयर इज हायर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन और एक्सपर्ट फील दैट दे आर ओनली क्वालिफाइड पीपल एंड दे ऑलवेज टेक राइट डिसीजन इन राइट टाइम. देयर आर नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, इफ ऑल देम वर्क इन देयर ओन वे इट विल रिजल्ट इन कैओस एंड कंफ्यूजन, सो देयर इज नीड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी. वो बोल रहे अगर सिर्फ वही अपने हिसाब से काम करते रहे और उन्हें लगता है कि वर्क जो कर रहे हैं वो सही है, तो इस तरीके से क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि भाई स्पेशलाइज लोग ये जो करेंगे वो सही है तो दूसरे लोगों का क्या. तो वही वो बोल रहे हैं सबके साथ आप क्या करो, कोऑर्डिनेशन बना के रखो, नहीं तो कंफ्यूजन माइंड्स में क्रिएट हो जाएंगे. So that is why there is need to coordinate the activity of all specialists in common direction, get maximum benefit of this specialist. So, जो भी स्पेशलिस्ट है, जो भी एक्सपर्ट है, अपने सारे वो जो भी स्पेशलाइजेशन है दूसरे लोगों को भी बताए, एम्प्लॉयज को बताए, कि ताकि वो लोग भी मिलके काम कर सके. आई चीज समझ? So that is all about we have studied the importance of coordination. So ये चीजें हमने देखी and our topic is completed and also the chapter completed. ठीक है, तो हमने ये फोर पार्ट्स में चैप्टर को डिवाइड किया एंड ऑल्सो हैव गिवन दी केस स्टडीज आफ्टर एवरी टॉपिक, है ना, मैंने 2 या 3 केस स्टडीज आप लोगों को दी. तो इसमें भी हमें देखना तो पड़ेगा कुछ केस स्टडीज, वी सी हियर. सो लेट्स सी दी केस स्टडी, छोटी छोटी केस स्टडीज है, 2 मैंने बनाई है, तो हम देख लेते हैं एक बार इसे, तो आपके थोड़े से और क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स. Yes. First one, Yash Limited is facing a lot of problems these days.
It manufactures electronic goods like washing machine, microwave oven, refrigerator, air conditioner. The company margins are under pressure and the profits and marketing department blame production department for producing goods which are not of good quality to meet customers expectations. अब इससे क्या समझ में आया कि हमने देखा कि यश लिमिटेड एक कंपनी है जो कि प्रॉब्लम फेस कर रही है. वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चर करती है और इस केस में उसका मार्जिन जो है वो कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, कंपनी का मार्जिन कम हो रहा है. और इसके लिए उन लोगों ने प्रॉफिट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है उन्होंने किसको ब्लेम किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, कि आप लोग गुड्स अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, आप लोग अच्छी क्वालिटी के नहीं कर रहे हो कि कस्टमर्स को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हम लोग. फाइनेंस डिपार्टमेंट जो था उसने क्या किया, किसको ब्लेम किया, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट को. उसने क्या किया, दोनों को किया कि प्रोडक्शन की भी गलती है और मार्केटिंग की भी गलती है, जो कि पहले मार्केटिंग ने प्रोडक्शन को किया था और अब ये जो फाइनेंस आ गया वो बोलता है कि तुम प्रोडक्शन वाले की भी गलती है और मार्केटिंग वाले की भी गलती है फॉर डिक्लाइनिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड बैड मार्केटिंग. ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं. व्हाट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट डू यू थिंक द कंपनी इज लैकिंग. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहा है, दूसरा तीसरे को ब्लेम कर रहा है, तो सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं. क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं है. अगर कोऑर्डिनेशन होता तो कोई एक दूसरे पे ब्लेम नहीं करता. क्यों, क्योंकि सब बोलते हमने मिलके काम किया. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं. सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोल रहा है कि उसको नहीं पता था क्या किस तरीके से वो काम कर रहा है. पता था, सबको सब पता रहता है. तो वही चीज है कि अगर नहीं पता है मतलब वहां पे लैक हो रहा है कोऑर्डिनेशन. यहाँ पे इन्होंने पहले क्या बोल दिया कि कौन ब्लेम कर रहा है, यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट और प्रॉफिट डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहा है. तो क्यों कर रहे हो, आप लोग को नहीं पता ये किस तरीके से काम कर रहे थे, नहीं पता था तो आपके कोऑर्डिनेशन की कमी है. तो वही चीज वो यहाँ बोल रहा है क्या लैक कर रहा है, दैट इज कोऑर्डिनेशन. बिकॉज प्रोडक्शन मार्केटिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट एफर्ट्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स. एज अ रिजल्ट कंपनी प्रॉफिट एंड मार्केट शेयर आर डिक्लाइन. वही वो बोल रहा है कि ये लोग कोऑर्डिनेट नहीं करे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, मींस वही प्रॉफिट सर्वाइवल ग्रोथ जो हमने पढ़ा है. अगर ये लोग कोऑर्डिनेट करते इस चीज के लिए तो हमारा प्रॉफिट कम नहीं होता. ऑब्वियसली सही भी बात है, अगर आप लोग ही तीनों चारों डिपार्टमेंट्स मेन डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे तो प्रॉफिट के आप कैसे सोच सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अच्छा होगा, राइट? तो एक दूसरे को सब कुछ पता रहता है और नहीं पता है तो आप लोग की गलती है. एंड नेक्स्ट, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड इन नीड. अब इसमें बोल रहा है और क्या इंपॉर्टेंस है, हमने जो कि इंपॉर्टेंस देखे थे कोऑर्डिनेशन के, ग्रोथ इन साइंस, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन, राइट? तो ये तो इससे बस एक क्वेश्चन पूछ लिया कि इंपॉर्टेंस बताओ, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया उसका इंपॉर्टेंस आपको बताना है. तो ये अगर आपका सही है तो ये अपने आप आ जाएगा आप लोगों को. ठीक है, देन नेक्स्ट इज, इन एन ऑर्गेनाइजेशन सेल्स डिपार्टमेंट वॉन्ट टू इंक्रीज द सेल बाई 20%. क्या कर रहा है वो, सेल डिपार्टमेंट जो है उसको अपना सेल 20% से इंक्रीज करना. सो सेल्स डिपार्टमेंट प्लान टू ऑफर एक्स्ट्रा डिस्काउंट टू कस्टमर्स. अब इसने सोचा यार 20% मुझे इंक्रीमेंट करना है, कैसे करूं? तो इसने क्या सोचा कि हम एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स ऑफर कर देते हैं. ऑफर एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स हमने ऑफर कर दिया. फाइनेंस डिपार्टमेंट रेज ऑब्जेक्शन ऑन इट एज दे सेड इट विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ रेवेन्यू एंड कंपनी में फेस लिक्विडिटी प्रॉब्लम. अब इसने बहुत सही बात बोली, इसने क्या कहा कि अगर सेल्स डिपार्टमेंट ने कहा कि हमें सेल अगर बढ़ानी है 20% से तो हम और डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है, पर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्या कहा, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा लॉस हो सकता है, हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा. क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा रेवेन्यू का, और हो सके हमारे पास लिक्विडिटी प्रॉब्लम भी नहीं हो जाए, हमारे पास पैसे ही नहीं रहे, है ना, इतना लॉस हो सकता है. तो इस तरीके से इसने क्या बोला, इसको बताया कि इस तरीके से मत करो. इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, अब इसमें कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन आ गया, फंक्शनल डिफरेंशिएशन. जो हमने कहा था ना डिपार्टमेंट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था, हमने सेकंड पॉइंट में ये देख रहा था फंक्शनल डिफरेंशिएशन मींस जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कनेक्टेड रहता है. तो यहाँ पे वही चीज हो रही है कि जब सेल डिपार्टमेंट ने ये बात सोची तो कौन बोला, फाइनेंस डिपार्टमेंट, यही बोला ना, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट बोला.
तो आप ये चीज बताओ, जो सेल्स डिपार्टमेंट था वो ये चीज नहीं बता के डायरेक्ट भी कर सकता था कि डायरेक्ट ऑफर दे दो, सेल्स हम करेंगे तो किसको पता चल रहा है, वो तो बाद में पता चलता। लेकिन इसने जब ये चीज सोची, प्लान करा, तो उसने फाइनेंस डिपार्टमेंट को बताया, तो जब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्शन लिया, तो मीन्स यहाँ पे कोऑर्डिनेशन तो है ना। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कौन सा हो रहा है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन वाला। एंड नेक्स्ट स्टेट आर द टू इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक ही है तो दूसरे हमारा कौन सा बचा था, ग्रोथ एंड स्पेशलाइजेशन वाला। तो ये दो इंपॉर्टेंस और आ गए यहाँ पे, क्लियर। तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली। सो दीज आर द टू केस लॉज विच वी हैव स्टडी नाउ। मैंने एक बार आपको बता दिया कि कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा केस स्टडी देखते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाते हैं, क्लियर। अब हम एक सेशन रखेंगे जिसके अंदर मैं सिर्फ आपको केस स्टडी से बताने वाली हूँ रिलेटेड टू द फर्स्ट चैप्टर। इस तरीके से हम सारे चैप्टर्स के बाद क्या देखेंगे, केस स्टडीज देखेंगे, कि ताकि और आपको क्लियर हो कॉन्सेप्ट्स, क्लियर। सो विल हैव फन, वील हैव द लाइव सेशन फॉर डेट, कि केस स्टडीज के अंदर हमें मजा भी आए, हम इंटरेक्ट भी कर पाए और आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो हम क्लियर कर सके। तो जल्दी हम केस स्टडीज के साथ मिलेंगे। ओके, सो डन फॉर टुडे। ओके, बाय।